आज 26 अगस्त 2022, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, आरामदायक स्थिति में सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का। ध्यान दो आंखों के बीच में, बहुत काल का अभ्यास, अपने आप शरीर से डिटैच हो रहे हैं। मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ, मुझे अशरीरी बनना नहीं है, मैं हूँ ही अशरीरी, इस शरीर की मालिक हूँ और परम धाम निवासी श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। तीसरे नेत्र के द्वारा स्वयं को देखेंगे और महसूस करेंगे। परम धाम जो मेरा असली घर है, वहाँ पर ज्ञान के सागर, शिव बाबा के साथ, महाज्योति के साथ, मैं महान आत्मा हूँ। ज्ञान का सागर, शिव बाबा मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश भर रहा है। बाबा से ज्ञान गुण और शक्तियाँ मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। स्पष्ट देखेंगे और फील करेंगे कि मैं आत्मा भी बाप समान, मास्टर ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा से निरंतर प्राप्ति का अनुभव कर रही हूँ। बाबा के साथ हूँ, कंबाइंड हूँ। मेरी बुद्धि रूपी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर हो रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ। मैंने महसूस किया है कि मुझे केवल ज्ञान की बातों में ही रममाण रहना है। सिर पर पापों का बोझा है, इसलिए निरंतर एक बाप की याद में रहना है। मैं हमेशा श्रेष्ठ संग में रहने वाली महान आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे भरपूर कर दिया है, मैं बिल्कुल तृप्त हूँ। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु मेरे जीवन में, क्योंकि बाबा मिला, सब कुछ मिला। भगवान ने मुझे चुना है, स्वयं भाग्य विधाता मेरा भाग्य लिख रहा है। मुझे और क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए मैं खुशी से संपन्न अचल आत्मा हूँ। ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु हूँ, इसलिए बिंदु रूप में रहना मेरे लिए बहुत सहज है। मैं शांत हूँ, प्रसन्न हूँ। ओम शांति 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 ही। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। बाप दादा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे वतन में दृष्टि दे रहे हैं और बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, तुम जो हो, जैसे हो, मेरे हो। तुम ज्ञान गुलजारी तीव्र वेगी आत्मा हो। तुमने कल्प कल्प ज्ञान सागर बाप से, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर अपना अविनाशी श्रृंगार किया है। तुमने कल्प कल्प श्रेष्ठ संग के आधार पर अपने आप को गोल्डन एज तक लेके गए हो। तुम सर्व प्राप्तियों से भरपूर खुशी में उड़ने वाले स्मृति स्वरूप आत्मा हो। हमेशा ज्ञान गुण और धारणा से संपन्न होने के कारण बिंदु रूप में रहना तुम्हारे लिए बहुत सहज है और बाप तुम पर खुश है। मेरी सर्व शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम्हारी विजय निश्चित है। बाबा से वरदान और दृष्टि पाकर मैं आत्मा अत्यंत हर्षित हो रही हूँ, बाबा की बाहों में समा रही हूँ। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।